नए साल के स्वागत के जश्न के बाद दिल्ली का सामना भूकंप के झटकों से हुआ। रात 1:19 पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 थी। भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था और इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। दिल्ली में इससे पहले 29 नवंबर को 2.5 और 12 नवंबर को 5.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था। भूकंप के लिहाज से दिल्ली को संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भूकंप का खतरा ज्यादा है। दिल्ली से पहले कल साल 2022 के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 28 दिसंबर की रात को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और देर रात लोगों ने पूरे जोश के साथ साल 2023 का स्वागत किया। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक नए साल का जश्न जोर शोर से मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। स्वागत शानदार, जश्न जोरदार। पूरी दुनिया ने बाहें फैलाकर 2023 का स्वागत किया। कहीं आतिशबाजी हुई, कहीं गानों के ताल पर लोग थिरकते नजर आए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान, चीन, सऊदी अरब, नए साल के जश्न से पूरा आसमान जगमगा उठा। 2 साल कोरोना के काले साए में बिताने के बाद ये बड़ा मौका था जब लोग एक साथ इकट्ठा होकर नए साल का स्वागत करते दिखाई दिए। बाजारों में भी लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोगों के चेहरे पर एक सुकून था। पहली बार बिना कोरोना नियमों के वो नए साल का जश्न जो मना रहे थे। और साल 2023 के आने का जश्न सबसे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। नए साल की दस्तक का जश्न मनाने के लिए जमकर आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत शानदार आतिशबाजी से किया गया। ऑकलैंड शहर के 328 मीटर ऊंचे स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी में 500 किलो से ज्यादा वजन के पटाखों का इस्तेमाल किया गया। 5 मिनट तक पटाखों से आसमान रंग बिरंगे रोशनी में नहा गया। मशहूर हार्बर ब्रिज भी नए साल के जश्न में जगमगा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने भी नए साल का स्वागत चमकदार आतिशबाजी से की। मशहूर हार्बर ब्रिज पर 184 जगहों से 7000 इफेक्ट्स के जरिए आतिशबाजी का शो किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस से भी 2000 से ज्यादा पटाखे जलाए गए। पहली बार हार्बर ब्रिज पर लेजर के जरिए इंद्रधनुषी झरना दिखाया गया। करीब 12 मिनट चले इस नए साल के जश्न में 1 लाख से ज्यादा अलग अलग आतिशबाजी के इफेक्ट्स दिखाए गए। उधर यूएई और ताइवान में नए साल के स्वागत में तमाम ऊंची इमारतें रोशनी से जगमग हो उठी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लेजर लाइट से नए साल का वेलकम हुआ। दुनिया में नए साल की दस्तक हो चुकी है, जश्न शुरू हो चुका है। जश्न की ये तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैं, जहां चाओ फ्राया नदी पर शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल के मौके पर थाईलैंड का आसमान रोशनी से जगमगा उठा। सभी इमारतों में जबरदस्त लाइटिंग की गई। लेजर शो का भी आयोजन किया गया। वहीं चीन में कोरोना के खतरों के बीच नए साल का स्वागत हुआ। लोग मास्क पहनकर शॉपिंग करने निकले। सभी ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर नए साल का जश्न मनाया। चीन में नए साल के जश्न को देखकर ही कोविड गाइडलाइंस में ढील दी गई थी। लोगों की मुस्कुराहट बताती है कि वो इस मौके पर कितने खुश हैं। पिछले साल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसी जश्न को फीका कर दिया था।
थाईलैंड और चीन में किस तरह नए साल का जश्न मनाया गया, आपको दिखाते हैं सिर्फ 60 सेकंड में। दुनिया में नए साल की दस्तक हो चुकी है, जश्न शुरू हो चुका है। जश्न की ये तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैं, जहां चाओ फ्राया नदी पर शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल के मौके पर थाईलैंड का आसमान रोशनी से जगमगा उठा। सभी इमारतों में जबरदस्त लाइटिंग की गई, लेजर शो का भी आयोजन किया गया। वहीं चीन में कोरोना के खतरों के बीच नए साल का स्वागत हुआ। लोग मास्क पहनकर शॉपिंग करने निकले। सभी ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर नए साल का जश्न मनाया। चीन में नए साल के जश्न को देखकर ही कोविड गाइडलाइंस में ढील दी गई थी। लोगों की मुस्कुराहट बताती है कि वो इस मौके पर कितने खुश हैं। पिछले साल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसी जश्न को फीका कर दिया था। और बर्फ के होटल में नए साल का जश्न, ये बातें सुनकर आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये जगह कौन सी है। यूरोपीय देश रोमानिया में इन दिनों पार्टी करने के लिए होटल ऑफ आइस में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। होटल ऑफ आइस यानी बर्फ का होटल, नाम के अनुसार बनाया गया ये होटल रोमानिया के कैरपेथियन की पहाड़ों पर स्थित है। इस होटल में सोफा चेयर से लेकर बेड, डाइनिंग टेबल, फर्नीचर सब कुछ बर्फ से बनाया गया है। होटल के बार भी बर्फ के बने हुए हैं। शराब की ग्लास भी बर्फ से बनाई गई है। होटल के एक एक ब्लॉक को बनाने के लिए करीब 30 किलो बर्फ का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मशहूर जमी हुई झील बालिया लेक से निकाला गया है। इस होटल के कमरों को यूरोपीय देशों की राजधानी के नाम पर रखा गया है। होटल ऑफ आइस को वर्ष 2005 में बनाया गया था। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह को यहां का सबसे ज्यादा बर्फ वाला इलाका माना जाता है। इस होटल में पहुंचने के लिए पर्यटकों को केबल कार का सहारा लेना पड़ता है। खून जमा देने वाली जगह पर बने इस होटल में आने वालों को खास कपड़े दिए जाते हैं। पर्यटकों का कहना है कि इससे पहनने के बाद ठंड परेशान नहीं करती है। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस इलाके में कई जगहों पर इस तरह के होटल हैं। और नए साल का जश्न दिल्ली और मुंबई में भी जोरदार रहा। डांस फ्लोर से लेकर बाजार तक लोगों की भीड़ लगी रही, नए साल की खुशी देखते बन रही थी। देश के राष्ट्रीय और आर्थिक राजधानी दोनों ही जगहों पर नए साल का जश्न गर्मजोशी के साथ हुआ। घड़ी में 12 बजते ही लोगों ने नाच गाना शुरू कर दिया। बहुत एंजॉय किया मैंने, पूरा सीपी घूमा। सेलिब्रेट करने आए हैं नए साल की, बड़ा अच्छा माहौल है। दिल्ली के मशहूर कैनॉट प्लेस में लोग अपने परिवार के साथ नए साल की खुशी मनाने निकल पड़े। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। सुहावने मौसम के बीच हुई म्यूजिक नाइट में लोग देर रात तक खूब थिरके। घड़ी के 12 बजते ही लोगों ने शोर मचाकर उम्मीदों से भरे नए साल का स्वागत किया। गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग भी बड़ी संख्या में इस मौके पर इकट्ठा हुए और नए साल का स्वागत किया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।